हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भर्ती की सूचना देने के लिए, धरने की सूचना देने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। UP SSSC AGT के अभ्यर्थी मेरी बात ध्यान से सुने। AGT के सभी अभ्यर्थी जलसल इको गार्डन पहुंचे। यदि आप सभी अभ्यर्थी सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो अभ्यर्थी इतने दिन से धरना दे रहे हैं वो भी मायूस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ की जरूरत है। कोई भी काम अकेले नहीं होता है, यूनिटी बहुत जरूरी है। तो सभी अभ्यर्थी जलसल पहुंचने की कोशिश करें। कुछ भर्तियों को लेकर और भी बात कर लेते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल UPSSSC का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी तैयारी करते रहें, तैयारी ना रोकें। कुछ भर्तियों के विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे, तो आगे देख लेते हैं। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सूचना। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PSC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का अंतिम परिणाम, तो इसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। देखिए इस पॉइंट को देखते हैं, इसको यह चयन परिणाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका ए संख्या 3737/2022 रावेंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो इसको देख लीजिएगा। देखिए कट ऑफ मार्क्स, इसको देख लीजिएगा कितनी कट ऑफ गई है। SI कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, प्लाटून कमांडर, FSSO, तो इसको आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन हो गया है उन सब अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे देख लेते हैं। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड प्रेस नोट, इसको देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 12 जून 2022 को 9,534 युवाओं को उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सम्मिलित होकर समाज में सेवा एवं सुरक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सीधी भर्ती द्वारा उपनिरीक्षकों का चयन करके विभाग की कार्यदक्षता बढ़ाने तथा जन सुरक्षा की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया है। देखिए आगे देख लेते हैं, कट ऑफ दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। एज वाइज एनालिसिस दिया गया है, कितना क्या सिलेक्शन हुआ है, 21 साल, 22 साल, 23 साल, इसको देख लीजिएगा। देखिए क्वालिफिकेशन वाइज एनालिसिस, BSc, BA, BTech, BE, BCom, BCA, अदर्स, इसको देख लीजिएगा। BBA, LLB, स्टेट वाइज एनालिसिस,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इसको देख लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा, देखिए इसको देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड द्वारा नए अध्याचन के 829 पदों के सापेक्ष उपनिरीक्षक की सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसको देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत लिपिक संवर्ग में 1329 पदों के सापेक्ष चयन हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है तथा अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। निकट भविष्य में टंकण एवं अशुलेखन की परीक्षा संपन्न कराकर आगामी 3 महीने में चयन परिणाम घोषित किए जाने का निश्चय किया गया है। इसको देख लेते हैं, इस पॉइंट को विशेष रूप से देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन विभिन्न पदों पर लगभग 40,000 और पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जो विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है। 40,000, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो शाखा के अंतर्गत 2,430 पदों के सापेक्ष चयन हेतु शीघ्र ही लिखित परीक्षा आयोजित करके अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने का निश्चय किया गया है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के इतने 693, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए 26,382, आरक्षी पीएससी के 8,540, ये देखिए इतने इतना, जेल वार्डन के 1,582 एवं अन्य पदों के लिए भर्ती के संबंध में अधियाचन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्राप्त हो चुका है जिसमें बोर्ड द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। तो आप देख सकते हैं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एवं सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को बधाई दी गई है। तो यूपीएसआई का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं उन सब अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।